तीसरी बात, दिल्ली में बिजली के रेट कम हुए, किस किस का हो गया? कई जने हाथ नहीं खड़े कर रहे, हाथ खड़े कर दो यार। बिजली के रेट इतने कम कर दिए, हाथ खड़े करने में भी दिक्कत हो रही है। अब आपके लिए एक बुरी खबर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में केंद्र सरकार एक अमेंडमेंट लेने ला रही है। ये अमेंडमेंट बिल है, ये पार्लियामेंट के विंटर सेशन में पार्लियामेंट में रखा जाएगा। इसकी एक कॉपी केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को भेजी है हमारे कमेंट्स के लिए। हर राज्य को 45 दिन का टाइम दिया है। इसमें मोटे मोटे तौर पे जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। इसमें लिखा है कि अब देश में क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी, कंपलसरी। क्रॉस सब्सिडी कौन कौन समझता है, क्या होती है क्रॉस सब्सिडी? कोई नहीं समझता, मैं समझा देता हूं। इंडस्ट्री वालों से ज्यादा पैसा लेती है, कॉमर्शियल से ज्यादा रेट लेती है, अमीरों से ज्यादा रेट लेती है, और गरीबों को और मिडिल क्लास को डोमेस्टिक के कम पैसे देती है। लेती है कि नहीं लेती? जैसे इंडस्ट्री के कई राज्यों में 12 रुपए यूनिट होती है, लेकिन डोमेस्टिक की 400 यूनिट तक 202 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। तो गरीबों के और मिडिल क्लास के डोमेस्टिक के कम स्लैब होते हैं, अलग अलग स्लैब होते हैं। स्लैब तो समझते हो, इंडस्ट्री का अलग स्लैब होता है, कमर्शियल का अलग होता है, 400 यूनिट का अलग होता है, 200 यूनिट का अलग होता है, 600 यूनिट का होता है कि नहीं होता? इस बिल में लिखा है सारे स्लैब खत्म, अब एक ही रेट होगा बिजली का। इंडस्ट्री का भी वही रेट होगा, कमर्शियल का भी वही रेट होगा, अमीरों का भी वही रेट होगा, गरीबों का भी वही रेट होगा, मिडिल क्लास का भी वही रेट होगा। दिल्ली में एवरेज बिजली का खर्चा 7.40 रुपए यूनिट है। तो अब पूरी दिल्ली में सारे लोगों की बिजली, अगर ये बिल पास हो गया, सबकी बिजली 7.50 रुपए यूनिट हो जाएगी। अभी जो जो लोग 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं दिल्ली में, उनका है 1 रुपया यूनिट। जो जो लोग 400 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनका बिजली का रेट है 2.5 रुपए यूनिट। तो जो 1 रुपए यूनिट है वो भी 7.50 रुपए यूनिट हो जाएगा, और जो आपका 2.5 रुपए यूनिट है वो भी 7.50 रुपए यूनिट हो जाएगा। चाहते हो कि दूसरी चीज इसमें लिखी है, अब बिजली की सट्टा मार्केट शुरू की जाएगी, सट्टा बाजार बिजली के क्षेत्र में शुरू किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने टाइम में दालों में, गेहूं में, चने में, कमोडिटी मार्केट में सट्टा बाजार शुरू करा था, तब से इनके रेट इनके काबू नहीं आ रहे, जब से सट्टा बाजार शुरू कराया। अब मोदी जी बीजेपी की सरकार चाहती है बिजली के क्षेत्र में सट्टा बाजार शुरू किया जाए। अगर ये सट्टा बाजार शुरू हो गया तो ये 7.50 रुपए भी बिजली नहीं मिलने वाली, ये 10.5-11 रुपए यूनिट जाके पड़ेगी। तो इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? मैंने सारे देश के सारे मुख्यमंत्रियों को कल चिट्ठी लिखी है, ममता दीदी को चिट्ठी लिखी है, चंद्रबाबू नायडू जी को चिट्ठी लिखी है, केरला के मुख्यमंत्री को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री को, सारे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है, उनसे मिलने का टाइम मांगा है। अगले हफ्ते से मैं हर राज्य में जाऊंगा, उनके मुख्यमंत्रियों से मिलूंगा और उनसे कहूंगा भाई संसद में इस बिल को पास नहीं होने देना किसी भी हालत में। अभी राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी वाले इस बिल को पास ना करा पाए।
लेकिन अगर आपने लोकसभा में बीजेपी को वोट दे दिया तो फिर दोष तो आप ही का है। फिर बिजली 11 यूनिट, और ये क्यों कर रहे हैं? ये दो या तीन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। अनिल अंबानी जी की कंपनियां और अडानी की कंपनियां, जो सबसे बड़ी देश में आज बिजली कंपनियां हैं, उन बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा इस बिल में, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो आपकी समझ में नहीं आएंगी, टेक्निकल बातें हैं, मैंने ये दो मोटी मोटी बात बता दी। अगर ये बिल पास हो गया, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, 6 महीने के अंदर, इस बिल के पास होने के 6 महीने के अंदर आपका बिजली का बिल 10 रुपए यूनिट से कम हो जाएगा। बिजली 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, बिजली पंखा चलाने लायक नहीं बचेंगे हमको, इतनी महंगी हो जाएगी बिजली। तो चाबी आपके हाथ में है। लोकसभा के पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा, हम सारी पार्टियां मिलके कोशिश करेंगे इसको पास ना होने दें, लेकिन अगर लोकसभा के अंदर बीजेपी जीत गई तो फिर दोष तो जनता का ही है, जो उसके बाद तुम क्या